वेलकम टू केंद्रपाड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उड़ीसा के पूर्वी हिस्से में स्थित केंद्रपाड़ा किसी समय कलिंग का मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इस जिले को पहले कई नामों से जाना जाता था, जिनमें तुलसी क्षेत्र, गुप्त क्षेत्र, ब्रह्मा क्षेत्र और केंद्रपल्ली अधिक प्रचलित थे। वैसे कहा जाता है कि केंद्रपाड़ा का इतिहास न केवल समृद्ध विरासत से भरा है, बल्कि दूरगामी परिणामों वाली घटनाओं की बहुतायत भी यहाँ देखने को मिलती है। ये भूमि भगवान बलदेव की कही जाती है, जिसका नाम कंदरासुर पर पौराणिक उपाख्यान के कारण पड़ा है। मौजूदा समय में ये जिला उत्तर में भद्रक, उत्तर पश्चिम में जाजपुर, दक्षिण में जगत सिंहपुर, पश्चिम में कटक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसका मुख्यालय केंद्रपाड़ा शहर में स्थित है। जिले के भूगोल की बात करें तो ये कुल 2644 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 15.93 लाख है। केंद्रपाड़ा का जनसंख्या घनत्व 492.38 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ करीब 86% लोग साक्षर हैं। यहाँ का लिंग अनुपात काफी शानदार है, क्योंकि यहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1006 है। ये जिला केंद्रपाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत 1 सब डिवीजन, 1592 गांव, 249 ग्राम पंचायत, 9 तहसील और ब्लॉक आते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, जो धान, गन्ना, अरहर, जूट और सूरजमुखी जैसे नकदी फसलों की खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिले में कई औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, जिसके कारण इसे व्यापार का मुख्य केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ कृषि, हस्तशिल्प, वन से जुड़े कई छोटे और मझोले उद्योग भी हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग उड़िया भाषा में ही बात करते हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी बोल और समझ लेते हैं। इस जिले की महज 5% जनसंख्या ही शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो वहीं 95% आबादी गांव में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। यहाँ 10 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिनमें मुख्य ब्रह्मणी, वैतरणी, लूना और चित्रापला नदी है, जो किसानों की जीवनदाहिनी कहलाती है। केंद्रपाड़ा नगर पालिका की स्थापना 1869 में हुई। ये उड़ीसा की पहली नगर पालिका थी, जिसके बाद 1 अप्रैल 1993 को केंद्रपाड़ा मूल जिला कटक से अलग होकर एक प्रसिद्ध जिला बन गया, जो अपने चरखा मिलों के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रपाड़ा जिला समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्मारकों और अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध ही नहीं, बल्कि अपने त्योहारों के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला और यहाँ के त्योहार बेहद ही मनमोहक हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ साल भर कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें रथ यात्रा, गज लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा और डोला यात्रा शामिल हैं। ये जिला धीरे धीरे पर्यटन में भी काफी विकास कर रहा है। यहाँ आप भगवान बलदेव जी के प्राचीन मंदिर के साथ ही केंद्रपाड़ा के वैभवशाली इतिहास का प्रतीक कमिक महल भी देख सकते हैं। इसके अलावा धदी वामन मंदिर, हापरबती मंदिर, भितारकनिका नेशनल पार्क, गहिर माता सेंचुरी, हवाली कहटी समुद्र तट, हुकी टोला आइसलैंड और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध डांगामल आदि की सैर का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ के प्रत्येक पर्यटन स्थल में आपको इतिहास के साथ ही आधुनिकता का संगम भी देखने को मिलता है। अब अगर इस जिले की कनेक्टिविटी की बात करें तो आप यहाँ रेल, हवाई या सड़क तीनों मार्गों से पहुँच सकते हैं। भुवनेश्वर विमान क्षेत्र यहाँ का सबसे करीबी एयरपोर्ट है, जो जिले से करीब 87 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भद्रक रेलवे स्टेशन केंद्रपाड़ा का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप कटक रेलवे स्टेशन से भी आसानी से केंद्रपाड़ा पहुंच सकते हैं।
सड़क मार्ग को देखें तो आप यहां NH53 के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं।